सब्सक्राइब कीजिए इडियोलॉजिकल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इडियोलॉजिकल वन डेस्टिनेशन फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास सेवन्थ का एसएसटी का क्वेश्चन पेपर, जो कि हाफ ईयरली से है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बिल्कुल सीबीएसई पैटर्न के अनुसार है, यानी कि आप किसी अब सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में हैं तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन पेपर है प्रैक्टिस करने के लिए, और आप अपने पेपर में अच्छा कर सकते हैं इसको करने के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक तरीके से बताऊँगा आपको चलते चलते कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से आपको आंसर भी देना है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। पैटर्न पर भी टाइम दे रखा है 3 आवर्स का, साथ साथ में मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 80 है, ठीक है। और सबसे जो पहला क्वेश्चन होगा वो आप सबको पता है कि वन वर्ड का क्वेश्चन होता है, सब जो सबसे पहला होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो एक नंबर के होते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा, देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका वन वर्ड का है, यानी 5 मार्क्स का है कुल मिला के। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शॉर्ट आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपके कुल मिला के देखें तो ऑप्शन भी दे रखा है यहाँ पे, NE6 आप देख सकते हैं। आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको एकदम साफ दिखे, और साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले लें क्वालिटी बढ़ाने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि NE6 यहाँ पे लिखा हुआ है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी के साथ यहाँ पे हम टोटल देखेंगे तो 7 क्वेश्चन है, इसमें से हमें एक छोड़ना है। अगर आपको कोई एक नहीं आता तो आप छोड़ के 6 कर सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद बात करें कि यहाँ पे मैंने देखा है कुछ लोग सेकेंड क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए आपके 7 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे कुछ बच्चे ये करते हैं कि जो 7th है वो भी कर लेंगे उन्हें आता है। तो देखिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्क्स मिले, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, जितने यहाँ पे दे रखा है उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें लॉन्ग आंसर आपको लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन देना है, यानी कि आंसर आपको प्रोवाइड करना है आंसर शीट में, जिसमें आपको वर्ड लिमिट आपकी एक्सीड होनी चाहिए कम से कम। देखिए आपको बताएं तो हम तो इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, उसमें NE5 करना है, यानी इसमें भी एक छोड़ देना है। तो ये जो पूरा 3rd क्वेश्चन है, ये इसका जो वेटेज बनता है वो बनता है 15 मार्क्स का। इसमें हम इसके हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं कि अगर 5 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं तो 5 क्वेश्चन के हिसाब से जो 15 मार्क्स हैं वो बनेंगे। तो इसके हिसाब से आपको लॉन्ग आंसर है तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप मार्क्स देखें कि टोटल मार्क्स कितना बनता है, मार्क्स वेटेज क्या है, उसी के हिसाब से अगर जितना मार्क्स ज़्यादा है तो उतना आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो पहले जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में वन वर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट आंसर हो गया, साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 3 में लॉन्ग आंसर भी होगा। ये आपकी बुकों में दे रखा होगा, जो भी आप प्रिस्क्राइब करते होगा आपके आपका स्कूल, वहाँ से आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फ्रेंड, जैसे जैसे मैं दिखाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप वीडियो पीछे करके भी, अगर आपने फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वीडियो क्वालिटी बढ़ाने के बाद आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। और मैं जो इस पेज का दिखा रहा हूँ, इस पेज का भी वीडियो पोस्ट करके आप, लेकिन उससे पहले आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, तभी आपको क्लियर दिखेगा और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसी के साथ देखिए आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आएगा, यानी डिफरेंस भी आएंगे कि एयर और एटमोसफियर में डिफरेंस बताना है, ट्रोपोस्फियर एंड एक्सपोस्फियर में बताना है, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन में बताना है, इंसुलेशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में बताना है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, ये देखिए मेनली ये ज्योग्राफी में आते हैं ज़्यादातर डिफरेंसेज जो ज्योग्राफी में आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हिस्ट्री स्विक से नहीं आते, ज़्यादातर जो डिफरेंसेज होते हैं वो आपके ज्योग्राफी से ही आते हैं। फिर उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, कुछ आपके छोटे मोटे टॉपिक दे रखे हैं, जैसे सोलर रेडिएशन के बारे में लिखना है, लोकल विंड के बारे में लिखना है। तो शॉर्ट नोट में बताऊँ आपको ज़्यादातर, देखिए यहाँ पे 4 मार्क्स का पूरा वेटेज बनता है, यानी हर एक 4 जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे ABCD, यानी हर एक जो सब क्वेश्चन का आपको एक नंबर मिलेगा। तो इसके हिसाब से आपको 1 या 2 लाइन में आंसर देना है। 6th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंटेंस को करेक्ट करना है, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें कुछ गलतियाँ या फिर उन्हें चेंज भी करना है। देखिए यहाँ पे जो पहला है कि द अटाला मस्जिद वॉज बिल्ड बाय राणा कुंभा, तो देखिए राणा कुंभा हो सकता है राणा कुंभा द्वारा नहीं बनाई है, तो आपको यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है इब्राहिम। यहाँ पे देखिए द अटाला मस्जिद वॉज बिल्ड बाय राणा कुंभा, अब यहाँ पे कुंभा के जगह आपको राइट आंसर इब्राहिम है, तो आपको इब्राहिम पुट करना है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ABCDEFDEF, तो यहाँ पे आपको 6 के 6 क्वेश्चन बनते हैं, और हर एक जो आपका जो सब क्वेश्चन है उसमें 1 मार्क कंटेन करता है। तो कुल मिला के यहाँ पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। 7th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ इवेंट लिखने हैं जो कि हुए हैं। तो देखिए बात करें हिस्ट्री की, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डेट, और पूरी जो स्टोरी है वो आपके इमेजिन करना। तो डेट्स एक जगह की अपनी इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में, तो उसको आपको ज़रूर याद करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो। तो डेट आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ पेपर से पहले, जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं
ठीक है। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ तो उस तरीके से आप तैयारी भी कर लीजिए, जैसे प्रैक्टिस भी कर लीजिए, डिफरेंसेज याद कर लीजिए, शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए, आप जो भी चीज़ें हैं ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं ये भी कर लीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ आपको डेट जो इवेंट है ये भी ज़रूर याद कर लीजिए। तो फिलिंदा ब्लैंक्स भी आपकी बुक में होंगे, तो इस तरीके से आप जितने भी चैप्टर्स के फिलिंदा ब्लैंक्स हैं उन सबको भी एक बार एक्सरसाइज कर लीजिए। उससे पहले आप एक बार होल चैप्टर अगर हो सके तो पढ़ लें, ताकि आपको कहीं से भी फिलिंदा ब्लैंक्स कहीं से भी बीच में आ सकता है तो आप आसानी से उसको आंसर दे सकें। तो मैच द फॉलोइंग कई बार आता है, जो कि हमें कई मार्क्स दे देता है जैसे, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ दो मार्क्स का पूछा गया है यहाँ पे। जैसे देखिए, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड आयनोस, आपको इस तरीके से इसे मिलाना भी है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से आपको आसानी से आप मिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अब वो तरीका गया जैसे आप लाइन से मिलाते थे, सबसे तरीका ये है कि आंसर शीट में आप पहले ये एक लाइन से ये इस तरफ का लिखिए और आगे तरफ का उसका सीधा आंसर उतार दीजिए और ऊपर लिख दीजिए आंसर। तो इस तरीके से काफ़ी क्लीन और नीट आपका प्रेजेंटेशन बन जाती है आंसर शीट में। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर उसका फ्रेंड बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि पूरा आपका ट्रू फॉल्स का है, ये सारी चीज़ें बताते जा रहा हूँ, तो ये नोट कर लीजिए आप एक कॉपी में कि ये चीज़ें अभी हमें इस टाइप से प्रिपेयर करनी है, ताकि कोई पेपर में आपको ये ना लगे कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, ठीक है, कई दिनों बाद कर रहा हूँ या कुछ अलग कर रहा हूँ, आपकी एक हैबिट बन जाए। फिर बात करें तो MCQ आता है यहाँ पे, जो कि काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है, 5 मार्क्स का है, आपको सिर्फ टिक करना है यहाँ पे देख के जो भी आपको आंसर सही लगता है वो। 12th क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पिक्चर बनानी है। तो ज़्यादातर केसेस में पिक्चर नहीं आती हैं, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन पेपर में पिक्चर आ गई है। तो आप भी अगर आपको लगता है कि आपके टीचर्स ने बोला है कि डायग्राम वगैरह आ सकते हैं या पिक्चर आपको बनाने के लिए आ सकते हैं, ज्योग्राफी से या हिस्ट्री से या सिविक्स से मैप बनाने के लिए, खुद का मैप बनाने के लिए आ सकता है, तो आप आसानी से आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दिया जाएगा जो भी आपका पैटर्न होगा, ब्लूप्रिंट। वैसे तो मैं आपको सीधे सीधे बताते जा रहा हूँ, ये भी काफ़ी लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए रीजनल किंगडम फिल करना है, जो भी आपको एक मैप दिया जाएगा। तो मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके SST में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आप ज़रूर ज़रूर मैप जो है वो एक बार देख के देख लें सिर्फ, ताकि आपको कम से कम ये तो रहे कि हाँ ये जगह इस जगह पे लोकेट करती है। तो ये काफ़ी आसान है कि आपको 5 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो क्वेश्चन पेपर की SST की, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।